आपत्ति लगाने के बाद भी काम शुरू। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पनियाजोब जलाशय में केज कल्चर प्रोजेक्ट लगाने का काम शुरू। मछलियों के लिए रोज 15 क्विंटल डलेगा चारा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत बरनारा कला के आश्रित ग्राम पनियाजोब बांध में केज कल्चर नामक प्रोजेक्ट न लगे इस हेतु सामाजिक संस्था छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक आपत्ति दर्ज कराया गया। इसके बाद भी प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पनियाजोब जलाशय में केज कल्चर परियोजना विरोध के बावजूद परियोजना लगाने की तैयारी शुरू कर दिया गया। मछलियों के लालन पालन के लिए रोजाना 15 क्विंटल चारा के अलावा दवाई व अन्य केमिकल डाला जाएगा, जिसके कारण पानी दूषित होगा व शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मत्स्य विभाग, मंत्रालय, कलेक्टर, नगर पालिका प्रशासन, जनपद CEO व ग्राम सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज कराया गया है। उसके बाद भी कार्य को शुरू किया जा रहा है। आज से बांध में परियोजना में लगने वाली सामानों को डंप करना शुरू कर दिया गया। बता दें कि पनियाजोब एकमात्र ऐसा डैम है जिसका पानी डोंगरगढ़ वासियों के पीने के लिए सप्लाई होता है और नगर पालिका परिषद के माध्यम से डैम का फिल्टर पानी डोंगरगढ़ शहर के लिए सप्लाई होता है, जिससे शहर के सभी क्षेत्र की जनता अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाती है और शहर में शासन के द्वारा घर घर नल जल योजना के तहत प्रत्येक घरों में पीने के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसका लाभ अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से लिया जा रहा है, किंतु बिना पंचायत NOC के कार्य शुरू किया जा रहा है। डैम में मछली पालन हेतु केज कल्चर प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू किए जाने से जनमानस में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस योजना से सिर्फ चिन्हांकित लोगों के लिए ही लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत पूरे शहर के जनता को मछली का मल, केमिकल तथा अन्य रासायनिक एवं यूरिया युक्त जहरीले पानी भोजन में परोसा जाएगा, जो धीरे धीरे शरीर के लिए घातक साबित होगा। आने वाले समय में शहर की जनता के लिए काफ़ी परेशानी का विषय हो सकता है। किसी की जान जाए किसे फर्क पड़ता है। आज के समय में खासकर अपने जेब भरने से किसी को फुर्सत ही कहाँ है। किसी एक व्यवसाय के लिए पूरे शहर की जनता को यूरिया युक्त जहरीला पानी पिलाना कितना सही होगा, यह जांच का विषय है। क्योंकि यदि किसी तालाब या डबरी में मछली पालन किया जाता है तो वहां का पानी पीने योग्य नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से पनियाजोब डैम में लगने वाले केज कल्चर प्रोजेक्ट में रोजाना मछलियों के लिए 15 क्विंटल चारा डाला जाएगा, फिर कैसे डैम का पानी भी पीने योग्य होगा, यह सभी भलीभांति जानते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। पनियाजोब डैम में मत्स्य पालन हेतु लगने वाले केज कल्चर प्रोजेक्ट को पूर्णतः रोक लगाने एवं भविष्य में इस प्रकार के किसी भी हानिकारक प्रोजेक्ट को जल के साथ जोड़कर न किया जा सके, जिसके लिए आम नागरिकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। ये जो जलाशय आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पनियाजोब जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। रोहन विकास खंड ग्राम पंचायत पनियाजोब है, यहाँ ये जलाशय है और इस जलाशय का पानी जो है डोंगरगढ़ नगर पालिका में जो रहते हैं, जो लोग नगरीय निकाय क्षेत्र में रहते हैं, उनको पीने के लिए सप्लाई होता है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट केज कल्चर नामक प्रोजेक्ट डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश सरकार तक इसकी शिकायत किया गया था कि प्रोजेक्ट नहीं डलना चाहिए। लेकिन अब आज से यहाँ प्रोजेक्ट डलने का काम शुरू होना है और वो सामान जो है भोपाल से यहाँ मध्य प्रदेश से सामान आ चुका है और डंप होना शुरू हो गया है। अब हम आपको बता देते हैं, अगर कोई तालाब में मछली पलता है तो निश्चित तौर पर वो तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता। जब बांध में लाखों करोड़ों का पानी मछली पाला जाएगा तो वो पीने योग्य कैसे होगा, क्योंकि मछली को जीवित रखने के लिए दवाई डालेंगे, उसको अगर मर गया तो दवाई डालेंगे, उसको कुल मिला के दवाई डाल के ही मछली का स्रोत बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से काम होगा तो नुकसान जल में तो होगा ही ना। अब अधिकारियों का इस संबंध में हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों को कहना है कि ये पानी फिल्टर होगा, फिल्टर होकर आएगा और पीने योग्य रहेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जो मिनरल वाटर पीते हैं, जो नल का पानी पीते हैं वो विरोध में। वहाँ
नाक से जो पनिया जो बांध से जो पानी आता है उसको हम लोग डोंगरगढ़ के सभी वासी लोग पीते हैं नल से, और वहाँ मछली पालन होगा ये जानकारी मिली है, पेपर में पढ़ा हूँ। उसमें दुनिया भर के केमिकल दवाई मछली बनाने के लिए डाला जाएगा, उससे पानी दूषित होगा और उससे हम तमाम लोगों को बहुत परेशानी होगी, बीमारी हो सकती है। तो शासन से मेरा अनुरोध है कि ये तत्काल बंद होना चाहिए। कोई अनुमति दे गए क्या? अनुसी दे ग्राम पंचायत बना कलर में सरपंच लीला राम दुल, ये जो मछली पालन के लिए जो आया है वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना हमें कोई एनओसी जारी नहीं है। और एकर संबंध में कोई बातचीत हुई? कोई चर्चा नहीं है। मान लो जिससे डाले की तैयारी चली तो आपन आपत्ति लगाओ? हाँ हम तो आपत्ति करबो, चाहे कागज के लिए तेजा में जात है या मछली पालन में होते ना तो मैं रसायन मतलब खाद वगैरह दवाई वगैरह डालते हैं, ऊपर से पेयजल के लिए ठीक नहीं है।